इन धुंधली तस्वीरों के पीछे का सच बेहद विचलित करने वाला है। तस्वीरें गाजियाबाद से हैं, जहां के एक मदरसे में पढ़ाने वाली मौलवी की गर्दन पर उसी के 14 साल के छात्र ने धारदार हथियार से हमला बोल दिया और उसकी जान लेने की कोशिश की। गंभीर रूप से जख्मी मौलवी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद से आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये पूरी वारदात गाजियाबाद के भोजपुर थाने के अंतर्गत त्योड़ी इलाके की बताई जा रही है। यहाँ पढ़ाने वाले मौलवी आस मोहम्मद को अपने छात्र को डांटना इस कदर भारी पड़ गया जिससे उसकी जान पर बनाई। मौलवी ने पढ़ाई न करने को लेकर उस छात्र को डांट लगाई थी। मौलवी ने छात्र से कहा था कि अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे मदरसे में नहीं आने दिया जाएगा। ये बात उस सिरफिरे छात्र को नागवार गुजरी। आरोप है कि जब मौलवी सो रहा था तब छात्र ने उसकी गर्दन पर दराती से हमला बोल दिया, जिसके चलते वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसके बाद शोरगुल सुनकर वहां मौजूद लोगों की ओर से मौलवी को अस्पताल पहुंचाया गया। मौलवी की गर्दन पर धारदार हथियार के हमले से गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टर ने उन्हें कई दर्जन टांके लगवाए हैं। फिलहाल हमला करने वाला नाबालिग छात्र फरार चल रहा है और पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, गाजियाबाद के इस मदरसे में हुई वारदात को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल वीके न्यूज उत्तर प्रदेश का यूं ही रुख करते रहें।